नेपाल यू ब्यूटीफुल पीपल, तो की हाल चाल है आप सभी का। तो भाई साहब कल है हमारे न्यू बाइक की डिलीवरी, कल हम दिन में 3 बजे अपनी बाइक की डिलीवरी ले रहे हैं भाई, और हमने छोटा सा मीटअप भी रखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वहां का लोकेशन मिल जाएगा, एड्रेस वगैरह, तो अगर आपको आना होगा भाई तो आप वहां आ सकते हो बाइक की डिलीवरी के टाइम। तो 3 बजे हमारा रहेगा बाइक का डिलीवरी। समझ गया जी शान, कल अपने न्यू बाइक की डिलीवरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बाइक पे बैठने के लिए। अच्छा तो भाई कल के लिए हमने फुल तैयारी कर लिया भाई, बहुत तगड़ा वाला डिलीवरी लेने वाले जीशान, मजा आएगा, खतरनाक पटाखा टका सब फोड़ेंगे, पूरी गैंग हमारी जाएगी भाई बाइक की डिलीवरी लेने, बहुत ज्यादा मजा आएगा ना जीशान। और एक चीज अभी भी सीक्रेट है भाई कि कौन से कलर का हम बाइक ले रहे हैं, तो 3 कलर का ऑप्शन मैंने दिया हुआ, सब लोग गेस कर, और बहुत सारे लोग राइट गेस कर रहे हैं भाई, 3 कलर है रेड ब्लैक ग्रीन, तो आप लोग गेस करना कौन से कलर का बाइक हम ले रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग ने राइट गेस किया है। क्या जो मुझे मालूम है कौन से कलर का बाइक है। और भाई साहब आज हमारे पास है कुछ खतरनाक वाला प्लानिंग, हम लोग करने जा रहे हैं खतरनाक चैलेंज भाई साहब, आज हम लोग करने जा रहे हैं आइस बाथ चैलेंज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो भाई हम लोग आइस बाथ चैलेंज करने जा रहे हैं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा आइस में रह सकता है भाई। भाई हमको बहुत ज्यादा आइस चाहिए, तो अभी जाता हूँ मार्केट से आइस लेके आता हूँ, और हमारे पास जो बड़ा वाला स्विमिंग पूल है ना उसी में हम लोग चैलेंज करेंगे भाई, पूरा स्विमिंग पूल बर्फ से भर देंगे। मस्त प्लान है। यो जीसान, थारा भाई जीसान इतना बर्फ में नहाएगा, इतना बर्फ में नहाएगा कि तन्ने कभी सोची ना होगी। ये देखो भाई हम बर्फ की फैक्ट्री में ही आ गए भाई बर्फ लेने के लिए, भाई हम ज्यादा बर्फ लेके जाएंगे ताकि हमारा स्विमिंग पूल पूरा भर जाए भाई बर्फ से। आज होगा बर्फ का नंगा नाच, मैं भी देखूंगा भाई ये नाच। चलो भाई हमारा बर्फ लोड हो गया गाड़ी पे, अभी चलते फटाफट घर। चल जीशान चल। हम लोग घर पे पहुंच गए, देखो हम अपना स्विमिंग पूल निकाल रहे भाई, इसी में होने जा रहा है चैलेंज। दिया भरना इसमें पानी भाई, फटाफट पानी भरते इसमें भाई, भरने लगा पानी। तो भाई साहब इस चैलेंज में हम 4 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा इस पूल में रहेगा भाई बर्फ में। जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा ये बताओ। हाँ। कुछ मिलेगा सरप्राइज है, जो जीतेगा उसको कुछ सरप्राइज है उसके लिए भाई। हमने बर्फ से भर दिया है भाई, अभी चलते हैं इसके अंदर। बैठो बैठो, अरे बाप पैर पूरा सुन्न हो गया, कसम से पूरा सुन्न हो गया। वाह भाई, जो लास्ट में निकलेगा वही जीतेगा, देखते हैं कौन लास्ट में निकलेगा, पहले कौन।
अरे पैर पूरा सुन लो कसम से सुन लो हाउ नाइस मेरा सुन हो गया सब कुछ मेरे पहले के जा रहे हैं बहुत तेज भाई पूरा खून उन जम जाएगा अभी मेरा बस निकल गया बस हवा निकल गई अरे साला तुम लोग पागल है क्या भाई जीशान बोला है जीशान का नीचे का पार्ट नहीं काम कर रहा बड़ा हरामी हो बेटा देखते अंदर ज्यादा देर तक रहे पानी एकदम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया अब देखते हैं कौन लास्ट निकलेगा एक बार फैसल निकल चुका है बट कोई बात नहीं भाई चलो वो पैर लेकिन नहीं निकाल सकते हैं पैर नहीं पैर क्या निकाल रहा हूँ निकाले हमारा दिमाग वाला पहले घुसते सुन रही है भाई कोई निकलने का नाम ही नहीं ले रहा एक्चुअली बर्फ गल गया ना लेकिन पानी बहुत ज्यादा ठंडा है ये देखो भाई साहब फेसल कर रहे हैं यहीं पे अपने दाना मिटा रहा है मुंह का मैं तो 10 दिन रह सकता हूँ यहाँ पे अच्छा भाई कोई निकलने का नाम नहीं ले रहा ये देखो सब यहीं पे पड़े हुए हैं भाई हम भी नहीं निकलेंगे भाई हम भी पड़े रहेंगे हम भी जिद्दी हैं ये बताओ पानी क्यों गर्म होने लगा ये बता जहाँ जाता स्विमिंग पूल में मुत्ता क्यों है रे मेरा सपना है ना गाइस अभी समीर ने स्विमिंग पूल में पाद दिया जी समीर भाई ने पाद पूरी बर्फ गल गई ये तो सही में गल गया था जी शान बर्फ है तेरे पास ये क्या रे और क्या क्या छुपा के रखा हमने तय खाने में अले समीर अले पूरा बर्फ गल चुका है ये देखो सारा का सारा बर्फ एकदम ठंडा भाई पानी बहुत ठंडा हो गया लेकिन कसम से पूरा हाथ लाल हो गया है ये बताओ पहले कौन निकलेगा एक घंटा तो हो गया बैठे हुए मैं निकलूंगा ये बता कौन जीतेगा कौन लास्ट निकलेगा जो है रात मुटास लगेगा वही निकलेगा यही होगा करता है तू चीटिंग 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 करता है तू एक पिज्जा मिलता पागल एक पिज्जा था हाँ पिज्जा पिज्जा ना ले लियो अब कभी पूरा दिन आई रही जाए जो जीतेगा उसको एक खड़ा खड़ा पिज्जा मिलेगा पिज्जा के लिए मैं पाताल जा सकता हूँ एक पाताल भाई मेरा पैर पूरा सुन्न हो गया मैं जा रहा हूँ बाहर भाई बर्दाश्त के बाहर हो रहा है कौन निकलेगा पहले पिज्जा तो मैं ही लेके जाऊंगा पिज्जा मुझसे कोई छीन अरे पूरा पानी गंदा हो गया है रे एक पहले सही में पूरा पैर अंदर डाल पूरा शरीर डाल अंदर ये देखो भाई समीर निकल गया बाहर क्यों निकल गया समीर पानी वैसे भी गर्म हो रहा था धीरे धीरे कोई तो निकलता तो निकल ही नहीं रहा था तो मैं निकल गया बोला जा जीत जा तू सौदा किया हूँ जी शान से आधा पिज्जा मैं खाऊंगा राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो अली गाइस मैं जीत गया वाह
चाचू मेरा नीचे का पार्ट नहीं काम कर रहा है। क्या रे पर इधर लाल हो गया रे जीसान। मारो नहीं क्या क्या तो भाई साहब ये चैलेंज का विनर है जीशान। तो अभी जीशान को लेकर चलेंगे भाई पिज्जा खिलाने के लिए क्योंकि जीशान इज द विनर। लूंगा चाचू हाँ पिज्जा मैं भी खाऊंगा। चलो ठीक है जीशान ने भाई से वादा किया था तो जीशान देगा तो खाना और क्या। A few moments later. फिलहाल भाई साहब हम नहावा के हो चुके हैं रेडी और हम चल रहे हैं अपने न्यू वाले बाइक के शोरूम पे। एक्चुअली कल हमको लेना है अपने बाइक की डिलीवरी ना तो हमको पेपर वर्क जितना भी आज ही कंप्लीट कर देना है ताकि कल सिर्फ बाइक की डिलीवरी लेना रहे। तो फटाफट चलते हैं बाइक का शोरूम पे भाई। देखो भाई 3 बजने वाला है और कल 3 बजे ही हमको अपनी बाइक का डिलीवरी लेना है भाई। भाई ये देखो यही शोरूम है यहीं से हमको डिलीवरी लेना है भाई गाड़ी का। भाई साहब शोरूम पे पहुंच गए हैं और सारा पेपर का वर्क चालू हो चुका है भाई। अभी बस मुझे पेमेंट करना है उसके बाद गाड़ी हमारी रेडी होगी भाई। उसके बाद कल हमको 3 बजे लेना है अपने बाइक की डिलीवरी। गाइस पेमेंट डन डन। भैया हमको गाड़ी एकदम टंच कंडीशन में चाहिए, एक को वो नहीं आना चाहिए दिक्कत गाड़ी में। ठीक चाचू बाइक बहुत खतरनाक दिख रहा है, ये तो कलर और खतरनाक है। चलो भाई साहब सारा काम डन हो गया, बस कल बाइक की डिलीवरी लेने आना भाई। भाई साहब कल आप लोग से मिलते हैं यहीं शुभम हीरो में, कल 3 बजे भाई आप लोग आना। चलो भाई अभी हम लोग आए कुछ पेट पूजा करने के लिए भाई, बहुत तगड़ा वाला भूख लगा। भाई खाना खा लिया, आप चलते हैं सलून में क्योंकि बाल और दाढ़ी दोनों कटवाना है क्योंकि कल अपनी बाइक की डिलीवरी है भाई। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनिए एकदम हीरो बना दीजिए, कल बाइक की डिलीवरी है। हीरो बना दू हीरो हीरो बना दो तो डिलीवरी से क्या तालुकात है बताइए। अरे बच्चे का डिलीवरी नहीं बाइक की डिलीवरी। अच्छा बाइक की डिलीवरी है। आर यू कॉमेडी मी। भाई दाढ़ी भी बनवाना है, बाल भी बनवाना है। इस बार बाल भाई थोड़ा अलग टाइप का कटवाऊंगा देखना। भाई हेयर कट करवा लिया, सोच रहा हेयर कलर भी करवा लूं भाई। फिलहाल भाई साहब बाल का भी कलर हो गया, ये देखो चेक कर लो भाई, थोड़ा सा ब्लॉन्ड है और ब्लैक का भी मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है भाई। बस बस पार्टी पॉपर, कल बाइक की डिलीवरी है ना भाई तो हमने ये देखो पार्टी पॉपर भी ले लिया है भाई। ईशान 4 पार्टी पॉपर लिया हूँ। चलो अभी और ले लेंगे 4 से। तो फिलहाल भाई साहब घर पे पहुंच गए हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरा हेयर का कलर मतलब कैसा लग रहा है भाई। मतलब निक्की का रिएक्शन ही अलग है। हेयर कलर कैसा लग रहा है मेरा? नहीं अच्छा लग रहा है। तुमने ही बोला था हेयर में कलर कराने को। बोली थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना अलग दिखने लगेगा। यार अच्छा तो लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है यार, 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगा भाई।